वेल गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक AEW का आज हुआ कोलिजन शो नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज और लुचासोरस देखने को मिले। और गाइज लास्ट वीक AEW कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के ऊपर लुचासोरस के वार्डलॉ को बीट करके AEW के TNT चैंपियन बनने के बाद आज टोरंटो ओंटारियो कनाडा में AEW के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज के इस प्रोमो के ऊपर क्राउड क्रिश्चियन केज को हैवी बू गए। और गाइज यहां पर क्रिश्चियन केज उनके प्रोमो में ये कहते गए कि जब लास्ट वीक AEW कोलिजन पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने टाइटल जीता था तो गाइज उसके बाद ही क्रिश्चियन केज काफी बैड मूड में गए थे, क्योंकि गाइज क्रिश्चियन को ये बात मालूम थी कि उन्हें इस हफ्ते टोरंटो में आना पड़ेगा। और गाइज यहां पर टोरंटो एक बहुत ही घटिया टाउन है जहां पर क्रिश्चियन केज कभी भी नहीं आना चाहते गए, बट गाइज यहां पर टोरंटो ओंटारियो कनाडा को मॉक करने के बाद क्रिश्चियन केज TNT चैंपियनशिप के फ्यूचर को एड्रेस करते गए, जहां पर क्रिश्चियन ये कहते गए कि AEW के अंदर अब TNT चैंपियनशिप को लेकर कोई भी ओपन चैलेंज नहीं होने वाला है। और गाइज अब जबकि लुचासोरस चैंपियन बन चुके गए तो गाइज AEW में अगर किसी को भी इस टाइटल के लिए चैलेंज करना है तो गाइज उसे यहां पर टाइटल शॉट अर्न करना पड़ेगा। और गाइज AEW के अंदर अब कोई भी एरा गैरा आकर ओपन चैलेंज के अंदर मैच को नहीं लड़ेगा। और गाइज आज क्रिश्चियन ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अब AEW के अंदर हर किसी को TNT चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलेगा।